तो फ्रेंड्स, आईपीएल 2021 के ऑक्शन की अब शुरुआत कुछ ही दिनों में होने वाली है और अब जल्दी बीसीसीआई की तरफ से आईपीएल ऑक्शन की डेट भी रिवील हो जाएगी। लेकिन आईपीएल ऑक्शन से पहले यहाँ पर 7 दिग्गज प्लेयर्स के नाम कन्फर्म्ड हो चुके हैं। 7 उन प्लेयर्स के नाम कन्फर्म्ड हो चुके हैं जो कि एक समय में आईपीएल में स्टार हुआ करते थे। उन प्लेयर्स की यहाँ पर आईपीएल 2021 के ऑक्शन में और आईपीएल 2021 के सीजन में अब दोबारा से वापसी होने वाली है। मैं इस वीडियो में आपको उन 7 दिग्गज खिलाड़ियों के नाम बताऊंगा और बताऊंगा कि कौन सी टीम में इनकी वापसी होगी, किस तरीके से इनकी वापसी होगी और ये आईपीएल खेलेंगे या फिर किस रोल में टीमों के साथ जुड़ेंगे। आपको इन 7 दिग्गज प्लेयर्स की सारी डिटेल इस वीडियो में पता चलेगी। तो ओवरऑल आईपीएल को लेकर, आईपीएल 2021 के ऑक्शन को लेकर और सभी टीमों को लेकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, जिन 7 T20 के दिग्गज प्लेयर्स की यहाँ पर आईपीएल में वापसी होगी, इनमें सबसे पहले नंबर पर नाम आता है लैंडल सिमंस का। दरअसल वेस्ट इंडीज के यहाँ पर ओपनर लैंडल सिमंस ने आईपीएल में एक रिकॉर्ड क्रिएट किया था। इन्होंने केवल 21 पारियों में आईपीएल में सबसे तेज 1000 रन बनाए थे, लेकिन इसके बाद अपनी इंजरीज के चलते और अदर रीजंस के चलते हुए ये आईपीएल से बाहर हो गए थे। पिछले 2 सालों से इन्होंने ऑक्शन में भी नाम नहीं दिया था, इस वजह से ये किसी भी टीम से नहीं जुड़ पाए थे। लेकिन अब 2 साल के ब्रेक के बाद आईपीएल 2021 के ऑक्शन के लिए इन्होंने अपना नाम दे दिया, अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया है और मोस्ट लाइकली लग रहा है कि जो केकेआर की टीम की तरफ से सीपीएल में खेलते हैं, यानी टीकेआर की तरफ से सीपीएल में खेलकर अच्छा प्रदर्शन करके आए हैं, तो मोस्ट लाइकली केकेआर की टीम या फिर आरसीबी की टीम या फिर कोई भी टीम इनको परचेस कर लेगी। तो आईपीएल 2021 के सीजन में इनकी वापसी होना ऑलमोस्ट कंफर्म्ड हो चुकी है। इसके बाद दूसरे नंबर पर नाम आता है यहां पर वेस्ट इंडीज के ड्यूएन स्मिथ का। दरअसल ड्यूएन स्मिथ एक समय में सीएसके और एमआई की टीम के लिए एक बड़े स्टार प्लेयर के रूप में हमें दिखे थे और दोनों ही टीमों के लिए काफी अच्छा प्रदर्शन इनका रहा था, जहां पर एमआई के लिए एक आईपीएल टाइटल जीत चुके, सीएसके के लिए काफी अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं और अभी अपनी फॉर्मर टीम सीएसके के साथ जुड़ चुके हैं। आईपीएल 2021 के सीजन के लिए सीएसके के टैलेंट स्काउट बन चुके हैं और वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे में जो भी T20 क्रिकेट होगी ये उन सभी क्रिकेट और सभी टूर्नामेंट्स को फॉलो करेंगे और ऑक्शन में सीएसके की टीम को उन प्लेयर्स के नाम रिकमेंड करेंगे, एमएस धोनी को उन प्लेयर्स के नाम रिकमेंड करेंगे जो कि सीएसके की टीम को परचेस करने चाहिए। और आईपीएल 2021 के सीजन में हो सकता है कि हमें सीएसके की टीम के बैटिंग कोच के रूप में यहां पर ड्यूएन स्मिथ काम करते हुए दिखे। तो यहां पर वेस्ट इंडीज के ओपनर ड्यूएन स्मिथ जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, वो अब दोबारा से अपनी फॉर्मर टीम सीएसके के साथ जुड़ चुके हैं। इसके बाद इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है हाशिम आमला का। दरअसल हाशिम आमला भी आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर्ड हो चुके हैं और ये भी पंजाब की टीम जिनके साथ इन्होंने 2 आईपीएल सीजन खेले थे उसी टीम के साथ दोबारा से जुड़ चुके हैं और पंजाब की टीम के बैटिंग सलाहकार के रूप में इस टीम के साथ जुड़ चुके हैं और आईपीएल 2021 के सीजन में भारत आकर इस टीम की हेल्प करते हुए दिखेंगे। इसके साथ ही हाल फिलहाल में ये टैलेंट स्काउट के रूप में इस टीम के साथ काम करते हुए दिखे हैं और आईपीएल ऑक्शन से पहले हाशिम आमला साउथ अफ्रीका के उन यंग प्लेयर्स के नाम पंजाब की टीम को रिकमेंड करेंगे जो कि पंजाब की टीम को ऑक्शन में बाय करनी चाहिए या फिर पंजाब की टीम की जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग यहां पर हाशिम आमला इस टीम को प्लेयर्स के नाम रिकमेंड करेंगे। तो ओवरऑल हाशिम आमला भी अपनी फॉर्मर टीम के साथ जुड़ चुके हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर नाम आता है जॉर्ज बेली का। दरअसल जॉर्ज बेली अपनी फॉर्मर टीम पंजाब के साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, जहां पर पिछले साल पंजाब की टीम ने इनको बैटिंग कोच के रूप में अपनी टीम के साथ जोड़ा था, लेकिन आईपीएल यूएई में होने के कारण, इसके साथ ही जॉर्ज बेली के पिता की तबीयत खराब होने के कारण आईपीएल के लिए दुबई नहीं जा पाए थे और पंजाब की टीम को एंड मौके में बल्लेबाजी कोच में बदलाव करना पड़ा था और वसीम जाफर को इस टीम का बैटिंग कोच बनाना पड़ा था। लेकिन अब आईपीएल 2021 के सीजन के लिए यहां पर पंजाब के लिए जॉर्ज बेली वसीम जाफर के साथ काम करते हुए दिखेंगे और बैटिंग सलाहकार के रूप में इस टीम के साथ ये दोबारा से जुड़ चुके हैं। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग ये पंजाब की टीम का सही डिसीजन है या फिर नहीं। इसके बाद पांचवें नंबर पर नाम आता है जेम्स फोकनर का। दरअसल जेम्स फोकनर यहां पर राजस्थान की तरफ से 3 से 4 आईपीएल सीजन खेल
चुके हैं और काफी सक्सेसफुल ये राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए रहे थे, इसी वजह से राजस्थान रॉयल्स की टीम के साथ दोबारा से जुड़ चुके हैं और इस टीम के बॉलिंग कोच यहाँ पर ये बन चुके हैं और आईपीएल 2021 के सीजन में इनकी दोबारा से वापसी हो चुके बॉलिंग कोच के रूप में ये राजस्थान रॉयल्स की तरफ से हमें काम करते हुए दिखेंगे। अब राजस्थान रॉयल्स की टीम आईपीएल 2021 के सीजन की इकलौती ऐसी टीम बन चुकी है जिस टीम के पास कप्तान, हेड कोच और बॉलिंग कोच सभी ऑस्ट्रेलियन यानी ऑस्ट्रेलियन फ्लेवर इस टीम में आ चुका है। इसके बाद छठे नंबर पर बात करते हैं मिचेल जॉनसन की, तो मिचेल जॉनसन एमआई की टीम के साथ दो आईपीएल खिताब जीत चुके हैं। 2013-2017 में इन्होंने एमआई के साथ तो यहां पर आईपीएल खिताब जीता था और अब आरई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आईपीएल 2021 के सीजन के लिए यहां पर एमआई की टीम मिचेल जॉनसन को बॉलिंग कोच बनाने के रूप में देख रही है या फिर शेन बॉन्ड के साथ यहां पर बॉलिंग सलाहकार के रूप में देख रही है और मिचेल जॉनसन भी इस टीम के लिए काम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। तो यहां पर 2021 के सीजन में मिचेल जॉनसन का भी कमबैक होगा और अपनी फॉर्मर टीम मुंबई इंडियंस के साथ ही एक बार फिर से काम करते हुए दिखेंगे। इसके बाद यहां पर सातवें और आखिरी नंबर पर नाम आता है मोर्ने मोरकल का। दरअसल मोर्ने मोरकल ने भी केकेआर और दिल्ली कैपिटल्स के लिए अपना पूरा आईपीएल करियर खेला था, दोनों ही टीमों के लिए काफी अच्छा प्रदर्शन आईपीएल में कर चुके हैं। इवन ये पर्पल कैप भी आईपीएल में एक बार जीत चुके हैं और अभी अपनी फॉर्मर टीम केकेआर के टैलेंट स्काउट के रूप में यहां पर हमें काम करते हुए दिखेंगे। ऑक्शन से पहले केकेआर की टीम को उन सभी प्लेयर्स के नाम रिकमेंड करेंगे जो कि केकेआर की टीम को परचेस करनी चाहिए यानी यंग विदेशी प्लेयर्स के नाम ये रिकमेंड करेंगे और हाल फिलहाल में ये बिग बैश लीग में जाकर बिग बैश लीग को फॉलो करेंगे। तो ओवरऑल अब इन सात T20 के दिग्गज प्लेयर्स की आईपीएल 2021 के सीजन में या फिर आईपीएल में दोबारा से वापसी हो चुकी है। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग इन सात दिग्गज का आईपीएल में आ जाने के बाद कौन सी टीम को इनसे सबसे अधिक फायदा होगा, आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम को सबसे अधिक बेनिफिट होगा, आप उस टीम का नाम कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।